सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस तो आप लोग देख ही रहोगे कि कितना अच्छा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने परफॉर्म करा है, और बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से केसी 100 इंडेक्स ने ग्रो करा है। 100 इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस बना हुआ था वो उसने अपना रेजिस्टेंस जो कि उसका 49,000-50,000 का बना हुआ था उसको वो क्रॉस करके उससे ऊपर पे ट्रेड करने लग गया था, और वहाँ से निकलता हुआ 55,000 से भी ऊपर की तरफ जाके ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी इंडेक्स की परफॉर्मेंस भी रही है, जबकि हमारा इंटरेस्ट रेट भी देखा है तो बहुत ज़्यादा ही हाई साइड पर चल रहा है, और सारी चीज़ें ही देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही अप साइड पर ही चल रही है। लेकिन केसी 100 इंडेक्स जो है बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इसके में लिस्टेड जो सारी कंपनीज हैं उनमें भी एक बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल है और बहुत ज़्यादा ही तेज़ी उनमें भी दिखने में आ रही है। तो केसी 100 इंडेक्स में से आज हम एक कंपनी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड, PSU इसका कोड है। 1976 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर इसका क्या अमल में आया, इस कंपनी की बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो ये पेट्रोलियम मसनूआत की तैयारी, इसकी स्टोरेज और इसकी मार्केटिंग का काम कर रही है। मजबूत फाइनेंशियली स्टेबल गवर्नमेंट ऑन एंटिटी है कंपनी। सर्कुलर डेट गर्दिशी करता जो कि 700 अरब रुपए का इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि इस सर्कुलर डेट को खत्म कर लिया जाए, और IMF भी ये डिमांड कर रहा है कि इस सर्कुलर डेट को पाकिस्तान से मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाए, जिसके लिए IMF पैसे भी दे रहा है। तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं सही प्रॉपर तरीके से और सर्कुलर डेट ख़त्म भी होता है मुल्क से, तो PSU कंपनी की जो अर्निंग्स है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी जाएगी, क्योंकि इसके साथ सर्कुलर डेट जो बहुत ज़्यादा ही जुड़ा हुआ है वो जब कम होगा या जब वो ख़त्म की तरफ जाएगा तो उससे इस कंपनी की अर्निंग्स भी बढ़ेगी। PSU की प्रोडक्ट की जो सेल्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी चल रही है, और अगर लॉन्ग टर्म में जो सर्कुलर डेट का मसला है ये रिजॉल्व हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी PSU की अर्निंग्स भी हो जाएगी और कंपनी बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ के फेस में चली जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी KSE 100 इंडेक्स में आती है, और KSE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस तो आप लोगों ने खुद देखी कि कितना तेज़ी से KSE 100 इंडेक्स एक अपवर्ड की तरफ ही जा रहा है और 55,000 से ऊपर पे ट्रेड कर रहा है, और देखा जाए तो यहाँ से KSE 100 इंडेक्स 60-62,000 पे आराम से जा सकता है। बहुत ज़्यादा ही अच्छा इसमें गैप भी खाली है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी का चांस है। तो जिस तरह से KSE 100 इंडेक्स बढ़ा है तो इसी तरह से PSU कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसने बिल्कुल भी ग्रो नहीं करा, जबकि देखा जाए तो PSU कंपनी जो है इसका स्टॉक प्राइस कम से कम 200 रुपये से ऊपर पे ट्रेड कर रहा होता है इस टाइम, लेकिन अभी भी ये कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ सकता है, क्योंकि IMF की जो खबर है वो भी रियलाइज़ होने की तरफ जा रही है, और जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं तो गवर्नमेंट जो है वो उस तरफ भी फिर पैसे खर्च करेगी, तो जो सारी गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं सबके रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं और सबके रेट बहुत ज़्यादा अपवर्ड की तरफ जा सकते हैं। तो PSU कंपनी जो है ये तो बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है, तो इसका रेट भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकता है। तो अभी ये जिन रेटों पे ट्रेड कर रहा है ये बिल्कुल इसका अभी भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा और बेस्ट बैंक जोन है, तो यहाँ से अगर ये निकलता है तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से 200 रुपये से ये ऊपर का स्टॉक है, और पिछली हिस्ट्री में अगर इसके स्टॉक को हम देख लें तो इसका स्टॉक 450-500 रुपये इन रेटों के दरमियान ट्रेड कर रहा होता था। तो इकनॉमी अनस्टेबल हुई है और जब इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं और कोई भी ऐसी मुल्की जो कि ख़राब सूरत हाल होती है तो इसी वजह से इसका स्टॉक प्राइस भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से डाउनवर्ड की तरफ आया है, और आते आते इसका स्टॉक प्राइस 98-100 रुपये नेटों पे आके इसका स्टॉक प्राइस ने एक्युमुलेशन करी है, यहाँ पे इसके स्टॉक ने ट्रेडिंग करी है, और जब यहाँ से निकला है तो इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक अपवर्ड की तरफ गया, लेकिन इसका स्टॉक उस तरह से बढ़ नहीं पाया। तो इसका स्टॉक अभी जिन नेटों पे है ये बहुत ज़्यादा इसके स्टॉक का अभी भी अच्छा और बेस्ट बैंक जोन है, 145-146 रुपये का इसके स्टॉक का बहुत बेहतर और बेस्ट बैंक जोन है। यहाँ से अगर इसका स्टॉक निकलता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका स्टॉक 180 रुपये फर्स्ट है, और सेकंड जो है इसका टारगेट वो 200 रुपये इसका स्टॉक आराम से जा सकता है। तो ये कंपनी जो है बहुत ज़्यादा ही अच्छी और स्टेबल कंपनी है, और डिविडेंड भी ये कंपनी एयरली कुछ ना कुछ पे कर देती है अपने इन्वेस्टर्स को, तो देखा है तो इस कंपनी में बहुत ज़्यादा ही अच्छी ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। तो इसका स्टॉक जैसे ही 150 रुपये से ऊपर निकलता है तो इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना अपवर्ड की तरफ चला जाएगा, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका स्टॉक ईजिली 200 रुपये से ऊपर जा सकता है, इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा ही एक गैप भी खाली है और बहुत ज़्यादा इसके स्टॉक में तेज़ी भी दिखने में आ सकती है। देखिए इसका स्टॉक जो कि 100 रुपये पे था यहाँ से इसका स्टॉक तकरीबन 146 रुपये, तो 46 रुपये इसका स्टॉक गेन कर चुका है, तो यहाँ से अभी भी इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक अपवर्ड की तरफ जा सकता है। तो उन रेटों पर बाइंग करने से बेहतर है कि जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं यही इसके स्टॉक के बेस्ट बैंक जोन है। अगर इसके स्टॉक डाउनवर्ड की तरफ आता है तो इसके स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बिल बनेगा वो इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल 130 रुपये का बनेगा, या इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल भी होगा बहुत ज़्यादा अच्छा बेस्ट बैंक जोन भी होगा, लेकिन अभी देख के ऐसा लगता नहीं है कि इसका स्टॉक इन रेटों पर आ सकता है। तो जैसी कोई भी एकाध और न्यूज़ और अनाउंसमेंट ऐसी आती है जो कि इसके स्टॉक को एक बूस्ट देती है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका स्टॉक अपवर्ड की तरफ जा सकता है, जबकि देखा है तो काफ़ी चीज़ों ने हमारी मुल्की इकनॉमी को भी डिस्टर्ब कराया, जिसमें इंटरेस्ट रेट
डॉलर का बढ़ना, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल, तो ये सारी चीज़ों ने देखा जाता है, हमारी मुल्की इकनॉमी को भी अनस्टेबल करा। लेकिन जैसे ही IMF पाकिस्तान के साथ जुड़ा और IMF के जो जो थी बातें वो सारी पाकिस्तान पूरी करता गया, चाहे वो टैक्सेस लगाना हो, चाहे वो गैस के प्राइसेस बढ़ाना हो, चाहे वो कोई भी ऐसी बातें थी IMF की, तो ये सारी बातें पाकिस्तान पूरी करता गया। तो इसीलिए पाकिस्तान की इकनॉमी भी आगे आके स्टेबल की तरफ जा सकती है। जैसे ही IMF का लोन मिलता है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने में आ सकती है। अभी जैसे वो सिर्फ ये खबरें और बातें चली थी कि IMF का लोन जो है वो मिलने जा रहा है और तकरीबन 2 हफ्ते बाद और 3 हफ्ते बाद मिल जाएगा, तो ये बातें अभी रियलाइज होने की तरफ जा रही हैं, जो कि तकरीबन 2 से 3 हफ्ते, 3 हफ्ते कह सकते हैं कि दिसंबर एंड तक पाकिस्तान को जो है IMF का लोन मिल जाएगा। तो देखा है तो लॉन्ग टर्म में इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा ही तेज़ी दिखने में आ सकती है। और वैसे भी कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है और डिविडेंड भी है, एयरली कुछ ना कुछ पे कर रही होती है अपने इन्वेस्टर्स को। तो पिछली हिस्ट्री में इसकी जो अर्निंग्स थी वो गिरने की वजह जो यही थी कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया था और इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया था। तो ये सारी वजूहत की बना पर इस कंपनी की जो अर्निंग्स थी वो बहुत ज़्यादा ही वो आधी से भी कम हो गई थी, यानी कि आधे का भी आधा, तो 60% इस कंपनी की जो अर्निंग्स थी वो गिर गई थी। तो इसी वजह से इस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ आया था। तो उसकी जो बहुत सारी वजूहत थी, एक तो कि जो सारी मैंने आपको बताई थी ये है, और इसके अलावा KSE 100 इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से डाउनवर्ड की तरफ गिरा, नीचे की तरफ आया। तो इसी वजह से इसका स्टॉक प्राइस भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ ही आया। तो यही सारी वजूहत थी इसका स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ आने की। लेकिन कोई सा भी स्टॉक चाहे कोई भी रेटों पर जा रहा हो, तो अगर हम PSO के स्टॉक की बात कर लेते हैं, इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी दिखने में आ सकती है। उसके स्टॉक का हम लॉन्ग टर्म टारगेट 220 रुपये का बिल्कुल लग सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तेज़ी भी दिखने में आ सकती है। तो यही इसके स्टॉक के बहुत ज़्यादा अच्छे और बेस्ट बैंक जोन है। तो अगर हम KSE 100 इंडेक्स की बात कर लेते हैं, जिस तरह से KSE 100 इंडेक्स इतना तेज़ी से अपर की तरफ गया है, तो अगर हम इसकी तरफ देख लेते हैं तो इसकी हम बात कर लेते हैं, तो इसको जो सपोर्ट करी है वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ और गवर्नमेंट ऑन एंटिटीज़, इन सब ने मिलकर इसको सपोर्ट करी है, क्योंकि इन सारी कंपनीज़ के पॉइंट्स KSE 100 इंडेक्स में होते हैं। तो इसी वजह से KSE 100 इंडेक्स जब बढ़ता है तो ये सारी कंपनीज ही बढ़ी होती हैं, तो इसी वजह से KSE 100 इंडेक्स भी जो है वो स्लो स्लो करके अपवर्ड की तरफ जा रहा होता है। तो ये सारी कंपनीज़ के KSE 100 इंडेक्स में पॉइंट्स होते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी अनस्टेबल या कोई भी ऐसी नेगेटिव खबर आती है तो देखा है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से KSE 100 इंडेक्स के पॉइंट्स भी निकाल सकती है, और KSE 100 इंडेक्स 1000-1500 पॉइंट आराम से KSE 100 इंडेक्स के निकल सकते हैं। तो KSE 100 इंडेक्स के जो 1000 से 1500 पॉइंट है वो आराम से डाउन हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी नेगेटिव खबर आके हिट करती है तो ये बात आप लोग माइंड में रखेंगे कि KSE 100 इंडेक्स के पॉइंट्स आराम से निकल सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करी जाए, जो कि लॉन्ग टर्म वाली कंपनीज है, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज है, जो कि ईयरली डिविडेंड्स भी दे रही होती हैं। तो उन्हीं में फिर लॉन्ग टर्म में भी देखा है तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी तेज़ी भी दिखने में आ सकती है। तो ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स से बचा जाए, उनके ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स अभी तो बहुत ज़्यादा तेज़ी होगी, अभी KSE 100 इंडेक्स बढ़ रहा है और सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, तो जो कंपनीज़ की अर्निंग्स भी नेगेटिव में, माइनस में, कंपनीज बंद है, लॉस में चल रही हैं, तो उन सब कंपनीज़ की बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्राइस भी एक अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। तो कोई भी ऐसी नेगेटिव खबर आती है तो उन कंपनीज़ के रेट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से डाउनवर्ड की तरफ गिरेंगे, तो जब उसमें नुकसान होगा आप लोगों को, क्योंकि वो नुकसान बहुत ज़्यादा भारी नुकसान आप लोगों को हो सकता है, क्योंकि वो ट्रेडिंग वाली कंपनीज है, तो ट्रेडिंग वाली कंपनीज से बचा जाए, क्योंकि कोई भी ऐसी खबर आएगी तो ट्रेडिंग वाली कंपनीज बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरेंगी, उन्हीं के रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिट करेंगे, उसके बाद पर जो ब्लू चिप स्टॉक्स थे और जो फाइनेंशियल स्टेबल कंपनीज हैं उनके रेट भी डाउनवर्ड की तरफ आ सकते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को नेगेटिव बात बता दी, तो इससे बेहतर है कि फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करी जाए, क्योंकि मैं अपने इसी चैनल पर ही फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज का भी डालता रहता हूँ, वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज का ही आगे आके दौर है, और वही कंपनीज जो है वो लॉन्ग टर्म वाली कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज की अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा ही बेहतर चल रही होती हैं, और वो कंपनीज बहुत ज़्यादा ही अच्छा डिविडेंड भी पे कर रही होती है अपने इन्वेस्टर्स को। तो इन्हीं में से ये एक PSO कंपनी थी जिसका मैंने आप लोगों को बता दिया, बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल ब्लू चिप स्टॉक है, अभी तो इसका रेट कम है, यही इसका बहुत ज़्यादा अच्छा बेस्ट बैंक जोन है, और इसके स्टॉक में लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छी तेज़ी दिखने में आ सकती है। तो ये था PSO कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस और रिव्यू, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को आने वाले दिनों में इस तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस मिलती रहेंगी, जिससे लॉन्ग टर्म में आप लोगों के फ़ायदा हासिल होना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।